हे गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड और मैगी से एक अलग ही टेस्टी सा नाश्ता, जो आप कभी बना सकते हैं स्नैक्स में खाने के लिए। इससे एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे मैगी बना लेंगे, जैसे भी हम नॉर्मल बनाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अलग टेस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे जो प्याज टमाटर वाली होती है वो भी बना सकते हैं। और फिर हमें पानी में अच्छे से बॉयल करने के बाद इसमें मसाले डाल देने हैं और पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करवा लेना है। बिल्कुल ड्राई मैगी बना लेनी है और मसालों को मिक्स कर देंगे। और फिर इसे हमें कवर करके या सिंपल आप जैसे कुक करते वैसे कर लेना है। तो लीजिए, सिंपल मैगी तो हमारी तैयार होगी। अब हम तैयार करते हैं ब्रेड को। तो ब्रेड मैंने यहाँ पे पहले 2 स्लाइसेस लिए हैं और इसके बीच में से जो पार्ट है वो हमें कट कर लेना है ऐसे। और फिर हमें इसके अंदर मैगी फिल करेंगे। जो इसके अंदर फ्राइड मैगी का टेस्ट आएगा ना, वो एक अलग ही लेवल का आएगा। आप ज़रूर ट्राई करना, इसका अलग ही फ्लेवर बनता है इसमें। अगर आपने नॉर्मल सैंडविच बनाया होगा मैगी का, उसमें सिर्फ अंदर अंदर रहती है और 2 ब्रेड के बीच में बनाना पड़ता है, लेकिन ये एक ही ब्रेड के में अंदर मैगी डाल के बनता है। उसके बाद हम यहाँ पे बटर ले लेंगे। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप यहाँ पे घी भी ले सकते हैं या फिर ऑयल भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और फिर हमें यहाँ पे बटर को डाल देना है कट करके। मैंने यहाँ पे बटर नाइफ यूज़ करा है और इसे हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और फिर हमें इस पे ब्रेड को लगाकर अच्छे से एक साइड में कर देना है। दोनों ब्रेड को हमें अच्छे से बटर में लगाना है ताकि वो अच्छे से क्रिस्पी हो नीचे से और मैगी भी अच्छे से क्रिस्पी हो पाए और उसका अलग टेस्ट आ पाए। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड के तो बटर लगा दिए, सेम उसी तरह हमें यहाँ पे सेकेंड ब्रेड पे भी बटर लगा देना है। और कमेंट में बताना आपने कभी मैगी को ओवन में बनाया, यानी कि ओवन में बना के ट्राई करा है। अगर नहीं करा तो कमेंट में बताना। मैं सोच रही थी इसे ट्राई करने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए कि ओवन की मैगी कैसी बनती है। उसमें मैंने भी आज तक ट्राई नहीं करा है, तो अगर आप कमेंट में बताते तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। बाय द वे, जो हमारे ब्रेड है वो अच्छे से सिक चुके हैं नीचे से। फिर हमें इसमें थोड़ा सा बटर और डालना है बीच में या फिर घी डालना है ताकि जो मैगी है वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो पाए। तो यहाँ पे जो हमारा बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो गया। फिर हम इसमें डाल देंगे मैगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैगी को हमें अच्छे से दबा देना है ताकि इसमें अच्छे से क्रिस्पीनेस आए, नीचे से अच्छे से फ्राई हो पाए। और फिर हमें दूसरे ब्रेड में भी जल्दी से मैगी को डाल देना, नहीं तो जो बटर है वो जलना स्टार्ट हो जाता है और उसकी एक अलग स्मेल आने लग जाती है, जिससे कि ये स्नैक बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह हमें यहाँ पे दोनों ब्रेड को पका लेना है, यानी कि नीचे से क्रिस्पी कर लेना है। और जब हमारी मैगी नीचे से क्रिस्पी हो जाएगी तब इसमें हम डाल रहे हैं चीज़ स्लाइस। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे एक पे लगा रही हूँ और एक पे नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ना चीज़ स्लाइस लगाने के बाद इसे हमें अच्छे से कुक कर लेना है, चीज़ स्लाइस को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। और फिर जो हमने पार्ट रखा था ब्रेड का वो इस पे लगा देंगे। हाँ, थोड़ा सा छोटा रह गया लेकिन कोई बात नहीं, ये चलता है इतना। और फिर हम इसे फ्लिप कर देंगे और ये देखें नीचे से कितना बढ़िया टेक्स्चर आया इसका, कितनी क्रिस्पी लग रही है, एकदम फ्राइड मैगी जैसा टेस्ट आएगा इसका। आप ऐसे भी इसे खा सकते हैं। और इस पे थोड़ा सा बटर लगा देंगे और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग बनाने के लिए, थोड़ा सा फ्लेवर बढ़ाने के लिए मेयोनीज भी लगा रही हूँ। वो बिल्कुल ऑप्शनल, अगर आपको पसंद हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी बढ़िया लगते हैं। और फिर हमें यहाँ पे लगा देनी है मेयोनीज, या फिर आप टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और बिना प्याज तो इसमें कोई रेसिपी बनेगी नहीं, तो प्याज तो ज़रूर डालेंगे। आप अगर मैगी बना रहे हो प्याज वाली या टमाटर वाली तो स्किप कर सकते हैं, उसमें पहले से ही होगा। लेकिन मैं यहाँ पे कटे हुए प्याज डाल रही हूँ, इससे एक अलग ही फ्लेवर आएगा, क्रंची क्रंची सा आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। और फिर हम इस पर फिर से थोड़ी सी मैगी डाल देंगे। फिर हमें इसे रोस्ट नहीं करना, यानी कि फ्लिप नहीं करना, नहीं तो जो सारा ब्रेड का टेक्सचर है वो ख़राब हो जाएगा, मैगी भी निकलना स्टार्ट हो जाएगी और जो चीज़ है वो भी पिघलने के बाद तवे पे गिरने लग जाएगी। इसलिए हमें अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। और ये लीजिए, हमारा जो ब्रेड और मैगी का स्नैक्स है वो तैयार है। आई होप आपको ये बढ़िया लगा होगा। और वीडियो को लाइक करना, डू सब्सक्राइब एंड टेक केयर। बाय बाय।